एक सुपर यहाँ पे है और एक वो सामने, दो सामने दिखाई दे रहे हैं, वो ये खास बहुत बड़ी सी मित्र जगह पे और किसी को कहते हैं ना, मैंने दिखाई दे रहे हैं दो छपर। एक वाला छपर जो दिखाई दे रहा है ये ताऊ लोगों का छपर है, और जो ये ऊपर वाला है ये हमारी बन रही है खिचड़ी। यहाँ पे ब्लू तो ला रखा है, उसमें से गाने लगा के डांस कर रहे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप सब लोग कैसे हैं, आई होप सब लोग मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और आज हो रखे हैं हम रेडी उडंडा जाने के लिए। आजकल गर्मियों का मौसम हो गया है शुरू, तो गर्मियों के मौसम में गाँव के लोग गाय भैंसों को लेकर उडंडा के लिए चलते हैं। तो आज ताई लोगों के गाय भैंस जा रहे हैं उडंडा, तो हम भी जा रहे हैं उनका सामान ले कर और उनके गाय भैंसों को वहाँ भेजने। तो दिखाते हैं आपको कि कैसे होता है डंडा, मैं किस प्रकार के वहाँ पे छप्पर वगैरह बने होते हैं और किस चीज़ के बने होते हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। और मैं जा रही हूँ ये वाले कटा, इसमें थोड़ा सा सामान है, पता नहीं क्या क्या रखा है इसमें, और रोकी भी आ रहा है, हम आधे रास्ते में आ चुके हैं। और यहाँ जंगल में बहुत सारे काफुल पक रखे हैं देखिए। अरे भैया लोग जा रहे हैं नीचे से सामान लेके, ये भी जा रहे हैं। अरे काफुल पक रखे हैं सामान भैया लोगों का है, और एक गाय बुला रही है उन्होंने डंडा ले जाने के लिए, और जो गाय भैंस है वो अभी आई नहीं है, हम आगे आगे हैं, वो भी आ रहे हैं थोड़ी देर के बाद। अरे रॉकी इसको भी थकान लगी है। आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, मतलब साफ हो रखा है, तो बहुत ही अच्छा हो रखा है, मतलब बारिश आती तो दिक्कत आ जाती बहुत बड़ी। तो एक छपर यहाँ पे है और एक सामने, दो सामने दिखाई दे रहे हैं, वो ये घास से पूरे छाए रहता है ये, और लकड़ी डाल रखी है इसमें, और यहाँ से छपर जाने का रास्ता है ये देखिए, यहाँ से रास्ता है, और बाढ़ भी है वहाँ उनका। और ये भाभी भैया लोग जा रहे हैं आगे से, बहुत सारे छपर हैं यहाँ पे। और ये है कुड़ खेत वालों का, और यहाँ पर उन्होंने अपनी बकरियों को बाहर पर निकाला हुआ है, और यहाँ से कुछ ऐसी लोकेशन दिख रही है। मैं देखिए गाय भैंस यहाँ पे हैं, और एक छपर ये है, सारे छपर घास फूस से ढके हुए हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एक बहुत बड़े सिंपल जगह पे, और इस जगह को कहते हैं कुमेणी खाद, और यहाँ पे भैंस भी आ रखे हैं ये देखिए, कुड़ खेत वालों के यहाँ पे भैंस आ रखे हैं, और बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है सिंपल सा। और ये भाभी जी को लग चुकी है थकान, थोड़ा सा कर लेंगे हम भी रेस्ट, कुड़ खेत वालों के ठाट आर का है इनका यहाँ। और एक भैंस यहाँ पे है, ले फाइनली हम पहुँच चुके हैं डांडा में, और बहुत थकान लगे है यहाँ आते आते। यहाँ पे इनकी बकरियाँ गाय भैंस हरे आ गई हैं, दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार के छपर बने रहते हैं डांडों में। हमने दिखाई दे रहे हैं दो छपर, ये एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। नीचे वाला छपर जो दिखाई दे रहा है ये ताऊ लोगों का छपर है, और जो ये ऊपर वाला है रिंकू पिंकू का लोगों का। और ये उनकी बकरियाँ भी आ रखी है यहाँ पे, ये देखिए इनके ग्वाले पता नहीं कहाँ चले गए हैं, पिंकू लोगों की बकरियाँ हैं ये देखिए, बहुत सारी बकरियाँ हैं इनकी, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं इसमें। तो दोस्तों ये वाली बकरी उन्होंने भुटिया लोगों से लाई हुई है पहले पिछले साल की, और ये बाकी उनके घर के बकरियाँ हैं, इनको भी थकान आ गई है, तो ये सारे पड़ रखे हैं एक जगह पे। यहाँ पे बहुत सारी ये कंडाले और घास वगैरह हुर के हैं, इनको काट के साफ कर देते हैं। भाई साहब ऐसा वाला चूल्हा रहता है यहाँ रनों में, थोड़े यहाँ पे गंदा फुरका है, साफ अभी साफ सफाई करेंगे उसके बाद सही हो जाता है यहाँ पे। और रॉकी भी पहुँच चुका है हमारे साथ यहाँ, और ये है भैया जी। तो दोस्तों अब यहाँ पे चल रही है साफ सफाई, और ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर पे ये मलखोर देवता का पेड़ है, देखिए यहाँ पे पीली साड़ी लगी हुई है, मतलब इस प्रकार के छपर रहते हैं डांडों में पत्थरों से। यहाँ पे पिंकू ये भी आता हो चुकी है यहाँ, अच्छा ये अकरन है, और एक ये वाला है, मतलब तीन दरवाजे हैं यहाँ से अंदर जाने के। यहाँ पे अंकी कर रही है सफाई, और यहाँ पे आग लाई हुई है इन्होंने, और पानी रखा है गरम चाय बनाने के लिए। अभी छपर साफ नहीं हो रहा, मतलब छपर में अभी सफाई कर रहे हैं,
बहुत बड़ा छपर है इनका, और जो सामान रहता है उसे इस बक्से में रखते हैं, थोड़ा भी सफाई निकल के लिए। हाँ, तो दिखाते हैं आपको पूरी सफाई करके। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है बरसाती, खुल रही है यहाँ पे, और अब इस बरसाती को हम डालेंगे वहाँ पे छप्पर में। और ये भैया, दो भैया लगे हुए हैं यहाँ पे बरसाती काटने में, देखिए। तो दोस्तों साफ सफाई करके अब बरसाती डालना हो गया है स्टार्ट, और ये भैया लोग बरसाती डाल रहे हैं छप्पर में, इससे पानी नीचे नहीं आ पाता है छप्पर के नीचे। जा रही हूँ पानी के लिए, यहाँ नीचे दिखते हैं कहाँ पे है इनका पानी। ये है शुद्ध पानी। अब पी रहे हम चाय। नीचे रख दे, हम रख नीचे रख दे। हाँ जी, क्या चावल लग जाएगा? हाँ चावल मिलेगा। तुम्हारा ना समझ आया क्या? तुम्हारा थोड़ा चुप। गाय भैंस भी आ चुके हैं यहाँ। किसके लाएगा? खाली ब्लॉग बनाते हैं। क्या काम काज करना है? तो ये पूरी सफाई सफाई यहाँ पे हो चुकी है, और ये छपर छपर मतलब एकदम रेडी सब कुछ हो चुका है। देखिए पूरी सफाई कर लिया है हमने यहाँ पे नीचे। दोस्तों यहाँ पे हमारी बन रही है खिचड़ी, दिन का खाना, और भाभी ने बनाया है ये। और ये दादी जी पुरखी तुकी है, ये हैं अभी तक ये, इसको लाइए लकड़ियों को लाइए, और लकड़ियों को रख रहे हैं पहले इसमें छप्पर में, उसके बाद उसमें ये घास फूस डाल रहे हैं, घास फूस डालने के बाद उसमें बरसाती डाल देते हैं, मतलब उसके कारण पानी नीचे नहीं आता है छप्पर में। हाँ ऐसे क्या होता है हमारे यहाँ पे गुजारा, क्यों पहाड़ों में 3-4 महीने का डेरा है यार। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं तो कोई गए हैं छत पे। तो दोस्तों ये छप्पर उन्होंने छा दिया है, और अब इसके ऊपर ये घास से उन्होंने छाया हुआ है, ये देखिए भैया डाल रहे हैं उसमें, और उसको इसके बाद इसमें बरसाती डालते हैं। बरसाती 2-3 दिन बाद उसमें बरसाती डाल देंगे, उससे पानी नीचे नहीं आएगा छप्पर में। और वहाँ सफाई चल रही है, अभी लोग वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। और दोस्तों इस छप्पर वाले ने यहाँ पे ये देवता का सामान रखा है, एक चिमटा और ये माला, और ये मतलब ये कपड़े पड़े ये रखा है ताकि इनके छप्पर से मतलब कोई इनकी लकड़ियों को ना ले जाए और कुछ भी नुकसान इनका ना करें, उसके लिए उन्होंने सुरक्षा के लिए भगवान के ये रखे हुए हैं चिमटा वगैरह, तो होती है इस चीज़ से सुरक्षा होती है। और ना यहाँ पे ब्लूटूथ ला रखा है, उसमें से गाने लगा के डांस कर रहे हैं सभी लोग। हमने खाना खा दिया है, और अब हम जा रहे हैं घर को। ये देखिए सारे हो गए हैं तैयार घर जाने के लिए। चलो हो जाए एक चक्कर डांस। इतनी बड़ी टीम मार की थी तनु। ये रहा भेड़ा पेट, भेड़ा पेट दिखा दिया अब। इन बंदर आ रहे पीछे से।
तो दोस्तों हम डाना से आके घर में पहुंच चुके हैं और बहुत सारी थकान भी लग गई है, बोला भी नहीं जा रहा है ढंग से। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि डांडों में जो छप्पर वगैरह होते हैं किस प्रकार के बने होते हैं या फिर किस चीज़ के बने होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैंने आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बता दिया है। तो दोस्तों आई होप आप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको जल्द ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।